प्रखंड के मनियाड़ी थाना अंतर्गत पश्चिमी टुंडी के जाता खुटी कर्माटांड में बने बिजली सब स्टेशन के माध्यम से 5 पंचायत के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। सब स्टेशन का उद्घाटन संयुक्त रूप से गिरिडीह लोकसभा सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। देखिए इस रिपोर्ट में। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जीएम सह एसी अजीत कुमार, मुख्य अभियंता मृणाल गौतम सहित अन्य लोग रहे। उद्घाटन समारोह में जाता खुंटी पंचायत की मुखिया मनीषा कुमारी सोरेन ने ग्रामीण सड़क समस्या को मुख्य रूप से रखा। विभिन्न गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्या सांसद और विधायक के समक्ष रखी। प्रखंड में ग्रामीण पथ की सबसे बड़ी समस्या है। सांसद और विधायक ने कहा कि तत्पश्चात इन समस्याओं को समाधान किया जाएगा। मौके पर मौजूद मुखिया मनीषा कुमारी सोरेन, श्रवण टुंडू, रामेश्वर बास्की, फूलचंद्र किस्कू, कामेश्वर सिंह सहित अन्य सैकड़ों ग्रामीण शामिल रहे। मेन है रोड रास्ता का भी मामला, पहले बिजली नहीं था तो बिजली पहुंचाया गया, अभी सब स्टेशन बन गया, अभी अब बिजली बिल का बात आ रहा है। तो इन सब चीजों पर जो है हम लोग गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए एक दिन जो जो समस्या आया है इस संबंध में जनता दरबार हम लोग लगा देते हैं। दोनों सांसद विधायक हम लोग रहेंगे, संबंधित पदाधिकारी भी रहेंगे, आपका वन विभाग से लेकर राजस्व विभाग से लेकर सबको रहेंगे और तीन पंचायत को मिलाकर रही पश्चिम कुंडी में हम लोग यहीं पर मैंने जाता कुटी सेंटर पर रहा एक रख देंगे। माननीय सांसद साहब का भी समय देके और बता देंगे और कुछ पदाधिकारी को भी लाएंगे संबंधित रोड से लेकर सब उसमें और इसका निराकरण होगा, ठीक है ना। अब माननीय सांसद साहब चलिए धन्यवाद। आज आप लोगों के बीच में विद्युत सब स्टेशन उद्घाटन समारोह में आने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी उनके साथ आए हुए सभी हमारे साथ जो है सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और मुखिया जी और सभी ग्रामीण, आज इस सब स्टेशन के उद्घाटन से बिजली की समस्या जो आप लोगों के बीच में बेसिक रूप से होता था कि लाइन हमेशा कट रहा होगा, लाइन समय से नहीं मिल पाता था या वोल्टेज का कमी या लंबी दूरी होने के चलते भी कई समस्या होता था कि कहीं तार टूट गया तो 10 दिन 15 दिन। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।